अलग से करूंगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए शैम्पू, जो शैम्पू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शैम्पू लेने के बाद हमें चाहिए गर्म पानी। गर्म पानी लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा वॉशरूम में। ओ, ये क्या दिखा दिया, हमें चालू करना है गीजर। हमने गीजर ऑन कर दिया है, अभी गर्म पानी आना चालू हो रहा है, एकदम हल्का हल्का, थोड़ी देर बाद गर्म आना चालू हो जाएगा। तो जब तक इसमें गर्म पानी इधर पे भी एक मिरर है, तो जब तक इसमें गर्म पानी आ रहा है तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और क्या ही करूँ, मेरा शैम्पू कहाँ गया? मिल गया मिल गया, मेरा शैम्पू नहीं आता। सिर्फ दो ही शैम्पू यूज कर रही हूँ बस, और नहीं, दो शैम्पू हो जाएगा। और मैंने एसी चालू कर दिया है ताकि पूरी होटल वाली फीलिंग आए, है ना, अभी मजा आएगा। तो अभी हमारा पानी भर रहा है, हम ज़्यादा भी गर्म पानी नहीं रखेंगे, जितना एकदम लाइट गर्म रखेंगे जिसमें पैर हमारा अच्छे से चला जाए और ज़्यादा गर्म ना लगे, जितना एकदम नॉर्मल रखेंगे गर्म। देखते हैं हमारा पानी कितना भरा है। हाँ हाँ हाँ, इतना काफी, इतना काफी। छू के देखती हूँ, तो बहुत गर्म है। गीजर बंद कर देंगे, भी छालूंगी नीचे क्योंकि टब मोटा है, बेडरूम में पानी गिर जाएगा। मैं बेडरूम में सब करने वाली हूँ तो बेडरूम में के नीचे पानी आ जाएगा, तो इसलिए मैं पहले नीचे टॉवल बिछा दूंगी ताकि पानी ना आए। ये मैंने टॉवल बिछा दिया, अब मैं रख दूंगी इसके ऊपर टब। अब हम लोगों को पानी में डालना है शैम्पू, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शैम्पू भी डालना है हम लोगों को, तो हम शैम्पू डालेंगे। देखो झाग आना चालू हो गई है। पानी में क्योंकि स्किन के लिए ही है एलोवेरा का, तो एलोवेरा तो बहुत अच्छा ही होता है, उसको ऐसे कर देने का तो ये यहाँ से आ जाएगा। बस इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। पानी को कर देंगे मिक्स, पानी गर्म है पर ठीक है, इतना चलेगा। देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से झाग आ गए हैं, गर्म है ज्यादा। इस वाटर में से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये जो मेरे हाथ में है ना, ये निकल नहीं रहा था क्योंकि इसमें फंस गया है, तो ये निकल ही नहीं रहा था। ये जो मेरा टप है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टप है, आप देख सकते हैं, गोल सा एकदम, बहुत बड़ा टप है, तो इसमें पैर आसानी से आ जाता है, इसलिए मैंने ये वाला टप सेलेक्ट किया। ये टप में हम कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, पानी तो पार्लर, वही पार्लर। ये जो मैंने रिंग पहनी है ना, इससे बार बार अटक रहा है, तो मैं ये रिंग निकाल देती हूँ, तो ये रिंग मैं निकाल देती हूँ, इसमें ये फंस गया है, अब निकल ही नहीं रहा है। कैसे लगता है? गाइस पूरी क्रीम लग गई, तो अभी मैं आप लोगों को मिलती हूँ, जब भी हम जाएंगे तब मैं आपको मिलती हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि पैर में आफ्टर बिफोर में फ़र्क आया कि नहीं आया है। देखते हैं आगे क्या होता है, हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं उधर घूमने, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर। गाइस हमारा लंच हो चुका है बहुत टाइम पहले, और अभी हो रही है इवनिंग, अभी मुझे भूख लगी है, तो मैं थोड़ा सा जा रही हूँ पाव भाजी खाने, क्योंकि आज लंच में पाव भाजी बनी थी,
तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सिर्फ मैं ही खाऊंगी, मेरी मम्मी नहीं खाएगी, मेरी मम्मी को इतना पसंद नहीं आया, तो मैं तो जा रही हूँ खाने। इतना यम्मी पाव भाजी था ना, तो अभी मैं पाव भाजी खाऊंगी और थोड़ा सा फ्राइड राइस खाऊंगी। फ्राइड राइस मैंने मम्मी के लिए लाया है क्योंकि मम्मी को पाव भाजी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मम्मी ने फ्राइड राइस ही बनाया था। तो अभी मैं मम्मी को फ्राइड राइस दूंगी और थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी। और मैं तो पाव भाजी तो खाने वाली, मैंने एक पाव को एक पाव लिया मैंने, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भाजी बहुत अच्छी बनी है। मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैंने फ्राइड राइस अभी तक नहीं खाया, अभी खाने जा रही हूँ। ये लेमन राइस है, इस मम्मी ने धनिया मिर्ची बस, और वो जो कांदा वांदा जो रहता है। चलो अभी मैं मम्मी फटाफट खा लेते हैं। मेरा ऑलमोस्ट आधा पाव खत्म हो गया है। फटाफट खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।